सो हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। सो गाइज, अगर आप अपने ऐप लॉक का पासवर्ड भूल गए हो, या फिर आप एस सिक्योर है जो सैमसंग का वो यूज़ कर रहे हो और सिक्योर फोल्डर का पासवर्ड आप भूल गए हो, या फिर गाइज आप सैमसंग के ऐप लॉक का पासवर्ड भूल गए हो, सो गाइज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में आपको सारे के सारे तरीके मैं बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने ऐप लॉक का पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो या फिर अपनी ऐप को एक्सेस कर सकते हो। सो गाइज जितने भी तरीके हैं सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लेकर चलता हूं अपने फोन की तरफ और आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले आपको बताता हूं कि अगर आप यूज़ कर रहे हो सैमसंग का डिवाइस, तो जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूं सैमसंग A50। सो गाइज इसके अंदर आपको क्या मिलता है, एस सिक्योर के नाम से आपको एक फोल्डर मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो कि ऐप लॉक मिलता है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूं, वो भी आपको दिखा देता हूं। तो जैसे गाइज आप देखते हो मैं यूट्यूब का यूज़ कर रहा हूं, तो ये आप देख सकते हो कि मेरे सामने आ चुका है। यहां पे मैं अगर पासवर्ड गलत डालता हूं तो आप देख सकते हो कि यहां पे जो है ट्राई अगेन आ चुका है। सो गाइज आप क्या कर सकते हो इसको रिमूव करने के लिए, आप देख सकते हो कि इसको कैसे भी मैं रिमूव नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई फॉरगेट पासवर्ड का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। सो गाइज आप क्या कर सकते हो, ऐसे इसको क्लिक करना, आपके सामने ऐसे ऑप्शन आएगा ऐप लॉक का। तो ऐप इन्फो में जाना, आप यहां से आप गाइज देख सकते हो कि नीचे मेरे पास ऑप्शन आ चुका है अनइंस्टॉल का। सो गाइज जैसे ही मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा तो मेरी सारी ऐप्स जो है अनलॉक हो जाएगी, मैं इसको सभी को एक्सेस कर सकता हूं। या फिर गाइज आप क्या कर सकते हो, स्टोरेज के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर डाटा और क्लियर कैश का आपके पास ऑप्शन है। तो गाइज इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्लियर कैश और क्लियर डाटा कर देना, तो उसके बाद आपके जो सेटिंग्स है सिक्योर फोल्डर की सारी अपने आप डिलीट हो जाएगी। सो गाइज इसी की तरह अनइंस्टॉल करने की तरह मैं आपको एक अलग सा सेकंड तरीका बताता हूँ कि अगर आप इसकी कोई अलग ऐप लॉक यूज़ कर रहे हो इससे अलग। सो गाइज आप क्या कर सकते हो, उसके भी ऐसे आपको जो है प्रेस करना और उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर देना। तो गाइज जैसे आप उसको अनइंस्टॉल करोगे तो आप यूज़ कर सकते हो अपने सभी ऐप्स को, क्योंकि आपके सारे जो पासवर्ड है वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। सो गाइज उसके बाद थर्ड वे जो आप यूज़ कर सकते हो, वो आप क्या कर सकते हो कि गाइज आप बायोमेट्रिक और सिक्योरिटी के अंदर जाना, यहाँ से आपको क्या करना है फिंगरप्रिंट को हटाना है, फेस लॉक को हटाना है। उसके बाद गाइज अपने फ़ोन का जो आप जो ये देख रहे हो कि ये स्क्रीन लॉक पासवर्ड है जो गाइज आप ये देख रहे हो, तो आपको क्या करना है इसी को रिमूव करके देखना है। सो गाइज यहाँ से इसको मैं रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है इसके लिए गाइज अपनी लॉक स्क्रीन में जाना है और सबसे पहले इसको स्क्रीन लॉक टाइप को स्वाइप कर देना है, या फिर आप देख सकते हो कि इसको नन पे कर देना है। सो गाइज इसको करके भी आपको जो काम हो सकता है कि आपकी सभी ऐप अनलॉक हो जाएंगी, क्योंकि अगर जो आप ये पैटर्न यूज़ कर रहे हो या ये जो है आपका स्क्रीन लॉक ही यूज़ होता है ज़्यादातर फोन्स में, तो गाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको जो रिमूव कर सकते हो। गाइज आपको क्या करना है, जस्ट रिमूव द ऐप विच यू आर यूजिंग। सो गाइज इफ़ यू आर यूजिंग एस सिक्योर यू कैन रिमूव एस सिक्योर, और इफ़ यू आर यूजिंग एनी अनदर ऐप जस्ट अनइंस्टॉल द ऐप और यू कैन क्लियर द डाटा। सो गाइज आगे मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसे भी नहीं आपका काम बनता है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है डिवाइस की एक्सेसिबिलिटी में, या फिर आप बोल सकते हो सिक्योरिटी के अंदर। तो यहाँ पे भी मुझे ऑप्शन मिल जाता है रीसेट का। सो गाइस देखते हो आपको क्या करना है, रीसेट पे जाना है। तो गाइस जैसे ही आप रीसेट करोगे तो इसमें आप क्या कर सकते हो, रीसेट सेटिंग को भी रीसेट कर सकते हो, या फिर अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो आप। तो फैक्ट्री रीसेट अगर आप करोगे तो गाइस आपका सारे की सारी ऐप्स जो है अनलॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, लेकिन आपको क्या करना है अपने जो डेटा है उसका बैकअप ले लेना है, क्योंकि गाइस अगर आपका डेटा डिलीट हो जाता है तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइस आगे बात कर लेते हैं कुछ डिवाइसेज में क्या है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे अगर आप किसी ऐप को ओपन करोगे और उसके अंदर जो है गलत पासवर्ड डालोगे, तो आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आएगा इसमें, यहाँ पे जैसे कि सैमसंग डिवाइस में आता है, यहाँ पे जो ओल्ड डिवाइस है सैमसंग के उसके अंदर यहाँ पे आपको जैसे ट्राई अगेन डालोगे तो यहाँ पे आपको फॉरगेट का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस जैसे ही आप जो है उस पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या ऑप्शन आएगा, सैमसंग अकाउंट आपका मांगेगा। तो आपको क्या करना है, सैमसंग अकाउंट को डालना है और उसका पासवर्ड डालना है, तो उसके बाद आपका जो डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। सो गाइस इसके बाद आगे बात कर लेते हैं एक और तरीका, वो ये है कि आप जो है इसके अंदर जो आप रिकवरी के लिए क्वेश्चन डालते हो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं उसको डाल के आप गाइस क्या कर सकते हो, अगर आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट है तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के भी अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो। सो गाइस अगर ये भी आपका तरीका नहीं काम करता है तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइस को स्विच ऑफ करना है, वॉल्यूम अप या डाउन से आपको जो है हार्ड रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, वो आपको पता ही होगा। गाइज आपको क्या करना है, पहले वॉल्यूम डाउन को दबाना है और उसके बाद पावर बटन को दबाना है, तो उसका बाद आपका डिवाइस जो है फैक्ट्री मोड में बूट हो जाएगा, या फिर आप वॉल्यूम अप की को भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके डिवाइस में ये नीचे वाली की वर्क नहीं करती है। सो गाइज उससे आप क्या कर सकते हो, क्लियर कैच करते हो वहाँ से ये ऑप्शन है जो इससे आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन को, और अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट कर सकते हो जिसमें आपको मिलेगा वाइप डाटा और फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन, तो वहाँ से आप जो है रीसेट कर सकते हो। उसके बाद गाइज आपके सारे जो ऐप लॉक का वो रिमूव हो जाएंगे। सो गाइज ये थे कुछ मेन वेज जिससे आप जो है अपने ऐप लॉक को रीसेट कर सकते हो, अगर वो आपका एस सिक्योर है या फिर कोई भी ऐप लॉक है तो उसको गाइज आप कर सकते हो रिमूव। तो गाइज यही कुछ मेन वेज है जिससे आप जो है अपना ऐप लॉक को रिमूव कर सकते हो। सो गाइज अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आई तो आप कर सकते हो कमेंट, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स गाइज़।